और श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रचार करने के लिए प्रेरित किए। उनके माध्यम से श्रीमद् भागवतम का प्रचार प्रसार हुआ और उनकी अनुगत्य से श्री गुरुदेव एक विशेष स्थिति में श्री व्यासदेव के विषय में आलोचना करके कहते थे जे हम लोग सारे व्यासानुगए व्यास जी के अनुगए और सुखानुग सुखदेव को स्वामी के अनुगए और विशेष करके रागानुग जो रूपानुग श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य में महाप्रभु की जो धारा में ये गुरु परंपरा के माध्यम से हम लोग श्री राधा कृष्ण की चैतन्य महाप्रभु की अनुगत्य में भजन करने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए श्री व्यासदेव महाराज जी के बहुत बड़ी अवदान है और श्री व्यासदेव महाराज जी उनको पता था जी इसके बाद कलियुग आएगा, ये कलियुग के लिए ये सारे शास्त्र वो रचना करके गुरु परंपरा के माध्यम से वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। वो अभी भी वही कार्य चलता आ रहा है। आज एक विशेष तिथि है, ये तिथि को आश्रय करके महाप्रभु के अंतरंग पार्षद सुर गोस्वामी में अन्यतम श्री सनातन गोस्वामी पाद की आज तिरुभाव विरह महोत्सव। श्री सनातन गोस्वामी पाद नित्य सिद्ध परिकर श्रीमन महाप्रभु की राधा कृष्ण लीला में मंजरी स्वरूपा ये नरवत स्वरूप में नरवत लीला करके दिखाए। द्राविड़ ब्राह्मण कुल में उनकी जन्म है। वो समय क्रम में हुसैन शाह बादशाह के पास कार्य करते थे। हम लोग इस विषय में सब लोग अवगत है। समय आने पर महाप्रभु के दर्शन और महाप्रभु की शिक्षा को शिरोधार्य करके जगन्नाथपुरी में और विशेष करके ब्रजधाम में श्री मदन मोहन मंदिर जहाँ पे द्वादशादित्य किला वहीं पे जाके भजन करते थे और नित्य प्रतिदिन वृंदावन से पैदल में चल के जाते थे और गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। और बीच में मथुरा में ब्राह्मण घर के इसे कुछ भिक्षा करके फिर लौटते थे, ये उनकी दिनचर्या था। और मदन मोहन के साथ फिर उनकी संबंध स्थापित हुआ। फिर मदन मोहन को वो मदन मोहन आए उनके साथ, इसे से महाप्रभु की जो चार मनोविष्ट को ये सड़ गोस्वामी अपना अपना अधिकार से पालन करने के लिए चेष्टित हुए। विशेष करके संबंध आचार्य रूप में वो प्रतिष्ठित हुए।
लुप्त तीर्थ उद्धार किए, विग्रह सेवा का दर्शन किए, ग्रंथ प्रणन किए, वैष्णव सदाचार को जगत में अपने खुद पहले पालन किए और दूसरे को अनुरूप सिखाए, और एकांत तो महाप्रभु राधा कृष्ण के इसे भक्त थे। भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। मदन मोहन मंदिर बनाए, परंतु मंदिर में नहीं रह के अलग रहते थे। श्री रूप गोस्वामी के भजन कुटीर कभी कभी जाके नंदगांव में पावन सरोवर में रहते थे, और श्री रूप गोस्वामी पाद टेर कदम में कभी कभी दोनों इष्ट गोष्ठी करते थे, ग्रंथ की आलोचना करते थे। और श्री श्री श्रीनिवास आचार्य जी जो सर्व गोस्वामी अष्टक लिखे हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं उसमें कैसे वो वर्णना किए हैं। सब त्याग करके भजन की पराकाष्ठा दिखाए, और विशेष करके गुरु वर्ग की माध्यम से आज हम लोग किसी भी भगवान की अनुग्रह से ये जो परंपरा में हम लोग ऐसे आए, इसे विशेष करके मैं मेरा बात बोल रहा हूँ। कैसे भी है, भक्ति तो नहीं हो रहा है, परंतु इसे महाप्रभु की अनुगत जन की विषय में कुछ श्रवण कीर्तन करने का सुयोग मिल रहा है, ये आशा रखना चाहिए। किसे भी वो लोग बहुत दयालु है, कृपालु, वो हमारे ऊपर जरूर कृपा करेंगे। और हमारा जो गुरु वर्ग है, विशेषकर गुरुदेव श्री परम गुरुदेव श्री प्रभुपाद के माध्यम से वो जरूर हम लोग के ऊपर कृपा रखे। और महाराज जी लोग और कुछ गुण कीर्तन करेंगे, वो तो महान वैष्णव है, महाप्रभु की पार्षद है, राधा कृष्ण की नित्य पार्षद मंजरी है, उनकी गुण कीर्तन करना हमारे लिए तो बहुत कष्टसाध्य दुष्टता है, परंतु अपना वाणी को पवित्र करने के लिए और सारा जीवन हरिगुरु वैष्णव की सेवा की भिक्षा करके उनके चरण में मैं पाक पुष्पांजलि को अभी विराम देता हूँ। वो कृपा करें और वैष्णव लोग गुरु वर्ग दास के ऊपर कृपा करें जैसे हम सेवा कर पाए। श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय। महामहोत्सव की जय। श्री व्यास देव महाराज की जय। प्रकट दिवस की जय। दास पूर्णिमा की जय। और परमानंदे कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिनि कलौ कळमशनाशाय जाह्नवापतये नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तम नयमां चरणांतिकं निलाचल निवासाय नित्याय परमात्मनि बलभद्र सुभद्रा भुजगन्ना भक्त्या विहीनापराध लक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्द। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमाराध्यतम निरुपाधिक करुणा बारिनि गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं। उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। रूपानुग गौड़ी गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद विशेषता सड़ गोस्वामी पाद रसिक आचार्य वर्ज महामोपाध्याय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स पार्षद श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सबके चरण कमल दंडवत प्रणाम पर उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। पूज्यपाद महाराज श्रील भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी पूज्यपाद भक्ति वेदांत निष्किंचन महाराज जी उत्तम कृष्ण प्रभु अन्य वैष्णव वृंद भक्त वृंद सबके चरण में अधम का यथाजथ प्रणाम स्वीकार हो। आज की विशेष तिथि है गुरु पूर्णिमा तिथि व्यास पूर्णिमा श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के आविर्भाव तिथि। कृष्ण ही स्वयं आए और वर्ण भी कृष्ण है इसलिए कृष्ण और द्वीप में जमुना की द्वीप में प्रकट होने के कारण द्वैपायन और वेद को ब्रह्म विद्या को व्याख्या करने के कारण व्यास इसलिए उनकी पूरा नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास उनकी आज आविर्भाव तिथि है। उनके द्वारा भगवान कृष्ण की सत्यावेश अवतार और कहते कि माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवेर उद्धार लागी। हाँ जीवेर कृपाय कृष्ण कैल वेद पुराण कृष्ण ही स्वयं माया मुग्ध जीव को उद्धार करने के लिए कृष्ण विमुख जीव को जिन्होंने कृष्ण को स्मरण नहीं कर पा रहे हैं विस्मृति हुआ जिनका तो ऐसे माया के प्रति जो मुग्ध है ऐसे जीव को कृपा करने के लिए वेद पुराण को प्रकट करने के लिए व्यास रूप में कृष्ण प्रकट हुए इसलिए कहा जाता है व्यासो चिष्ट जगत सर्वम। इसी जगत में जितने आचार्य आए और जितने सारी ग्रंथ भी लिखते हैं सब व्यासो चिष्ट है इसलिए कहा जाता है कि आचार्य लोग को इसलिए व्यास भी कहा जाता है क्योंकि वेद व्यास जिस प्रकार अलौकिक ब्रह्म विद्या को व्याख्या किए तो वही कार्य करने के लिए आचार्यों को भी व्यास कहा जाता है।
व्यासदेव जी जैसा भगवान की प्रकाश विग्रह है, अवतार है, उसी प्रकार आचार्य लोगों के लिए भी भगवान स्वयं भागवत में बताया, भगवान ने बताया कि आचार्य मांग बीजानियन नाभ मन्यत कहिर चित नामर्त्य बुद्धिया सुयत सर्वदेव मय गुरु। तो श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज भी कहते हैं कि गुरु परंपरा और गुरु मतलब वही ही जो व्यास वाणी है, गुरु परंपरा की जो वाणी है वही ही गुरु है, उनकी सुरक्षा ही, उनकी सेवा ही, उनकी आचार प्रचार, उनकी व्याख्या ही गुरुदेव की पूजा है। इसलिए हर क्षण में प्रभुपाद कहते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे, प्रति क्षण में गुरु पूजा होनी चाहिए, व्यास पूजा होनी चाहिए शिष्य पक्ष में, यानी प्रति मुहूर्त में गुरुदेव की स्मरण, काय मन वाक्य में गुरुदेव की, हर समय कुछ भी कार्य करने से करने के समय जीव को ये सोचना चाहिए साधक को कि हमारे गुरुदेव के द्वारा मैं जो कुछ कर रहा हूँ गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए, मेरा वो कार्य के द्वारा गुरुदेव प्रसन्न होंगे। तो ये गुरु पूजा वास्तव गुरु पूजा है। तो आज की तिथि और गुरुदेव की कृपा होने से ही भगवान की कृपा होती है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन जम एव एष वृणुते ते न लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुष्व। जिस प्रकार कोई वधु वो हर समय अपना मुख को ढक करके रखते हैं, गुंठन के द्वारा क्या बोलते हैं उसको, घूंघट के द्वारा ढक करके रखते हैं, लेकिन जब जिनको वरण करते पति के रूप में उनके सामने अपने को प्रकाशित कर देते, खोल देते हैं अपना स्वरूप को, उनके सामने खोल देते हैं। उसी प्रकार गुरुदेव चाहे भगवान जितना रहस्यमय हो, अपने हृदय में छिपा करके गुरुदेव रखते हैं, लेकिन जिनको वरण करते हैं, जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, विवृणते तनु स्वाम, अपना स्वरूप को उनके सामने वो फिर खोल देते हैं, भगवान के जो स्वरूप रहस्यमय वस्तु को उनके सामने उनके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, उनकी कृपा से ही भगवान की कृपा, जस्य क्या रुष्टे हरि गुरु रुष्टे हरि त्राता, हरि रुष्टे गुरु त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन तस्मात सर्व प्रयत्ने न गुरु एवा प्रसाद। तो इसलिए भगवान की रुष्टता होने पर भी गुरुदेव उनको शांत कर सकते, लेकिन अगर गुरुदेव अप्रसन्न हो गए, रुष्ट हो गए, तो भगवान भी उनको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान अहम भक्त पराधीनो, भगवान गुरुदेव के ही अधीन तत्व है। पराधीन मतलब गुरुदेव के अधीन है, वैष्णव के अधीन है, कृष्ण जे तुमार कृष्ण दीते पार। तो आज की तिथि उनकी कृपा प्रार्थना करने का तिथि है, और उनकी विशेष करके आज के तिथि सारी गुरुवर्ग की सेवा करने का तिथि है, आज के तिथि सारी गुरुवर्ग की पूजा की तिथि है, और आज विशेष करके सनातन गोस्वामी पाद जो षड गोस्वामियों में अग्रज थे, वयजेष्ठ भी थे और स्वरूप, तो इसलिए आज उनकी भी तिरुभाव तिथि है, व्यास पूर्णिमा है। तो हमारे बड़े सौभाग्य है गुरुदेव की अप्रकट स्थली में और सब वैष्णव की सानिध्य में गुरुवर्ग की हम आज पूजा करने के लिए हम पूजा करेंगे, उनकी कृपा प्रार्थना करेंगे, अपना सर्वल अवधार पणे नच, अपना सब कुछ उनके चरण कमल में अर्पण करने की शुभ अवसर है, और अपना अपना अधिकार के अनुसार उनकी पूजा अर्चन करेंगे। अभी बाकी रात को फिर गुरु महाराज जी तो कथा बोलेंगे, अभी थोड़ा बहुत पुष्पांजलि दे करके फिर हम लोग पूजा करेंगे, बाकी कुछ भक्त लोग होगा तो महाराज के आदेश से फिर शाम को पाठ करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
ओम ज्ञानतिमिरां दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हरि गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। कद आज है एक विशेष तिथि है, कद आज श्री पूर्णिमा है और आज का दिन श्री व्यास देव का आविर्भाव तिथि भी है। आज श्री सनातन गोस्वामी का तिरुभाव महामहोत्सव भी है। इसलिए आज ही आज जो तिथि बहुत बहुत बढ़िया तिथि है। कहते ये पूर्णिमा को मुड़िया पूर्ण भी कहते हैं क्योंकि श्री सनातन गोस्वामी को ब्रज में सबके लोग बड़े बाबा बोलते थे क्योंकि ब्रज में सारे गांव गांव में जाते थे हैं सारे गांव गांव में और सभी को साथ में बड़ी प्रीति व्यवहार था। सनातन गोस्वामी घर घर में जाते थे और गुरुदेव कहते थे हर घर घर में जा करके बात करते थे, तुम्हारी बेटा कैसे है, बेटी कैसे है, तुम्हारी परिवार कैसे है। साधारण लोग तो यही चाहते हैं, इसलिए सारे ब्रज का लोग इनको बड़े बाबा रूप में जानते थे। इसलिए बड़े बाबा जैसे इसी जगत में कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है क्या करते हैं, मूड़ मुड़ाते हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी जब शरीर छोड़े कहते जितने सारे ब्रजवासी एकत्रित हुए आज हो करके सबके सब सिर मुड़वा करके श्री सनातन गोस्वामी का कलेवर को दिव्य कलेवर को लेकर के पूरा का पूरा गिरिराज परिक्रमा लगाए, परिक्रमा लगा करके पर वृंदावन में ला करके सनातन गोस्वामी को वहीं समाधि दिया। इसलिए आज हैं कहते श्री सनातन गोस्वामी का तिरुभाव और मुड़िया पुण्य है और आज श्री व्यास देव जी का भी आज श्री आविर्भाव तिथि है। अभी अभी उत्तम प्रभु जी बोल रहे थे व्यास देव कैसे प्रकटित कैसे हुए हैं। इसलिए कहते ये जो व्यास पूजा है तो गुरुदेव कहते थे ये व्यास पूजा हम लोग क्यों करते हैं और ये व्यास पूजा का तात्पर्य क्या है। कहते आज का दिन विशेष करके ये उत्तर प्रदेश में बंगाल में इतना नहीं है ये सब चीज। बंगाल में गुरुदेव कहते थे मेरे गुरुदेव गुरुदेव का तिथि का दिन ही बंगाल में जैसे हमारे गौड़ीय संप्रदाय में गुरुदेव का पूजा हम कब करते हैं, गुरुदेव का आविर्भाव में और तिरुभाव में करते हैं ये बंगाल में और हमारे गौड़ीय मठ में। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में ये एक नियम है ये लोग गुरुदेव का आविर्भाव तिरुभाव तिथि में गुरुदेव का पूजा इतना नहीं करते हैं। आज का दिन जितने सब लोग आज का दिन अपना अपना गुरुदेव को हैं सबके सब आकर के गुरुदेव की पूजा करते हैं है? इसलिए कहते ये जो पूजा है कहते ये व्यास पूजा का तात्पर्य क्या है। तब व्यास पूजा का तात्पर्य है प्रभुपाद कहते हैं साधारण लोगों का धारणा व्यास पूजा का दिन क्या करनी चाहिए, अपना गुरु जी को पास में चलो, कुछ फूल के माला ले चलो, उनके लिए कपड़ा लता ले चलो, छत्री ले चलो, कुछ प्रणाम ले चलो और कुछ फल लेकर के क्या करो गुरु जी को भेंट करा दो और गुरु जी गला में एक माला पहना दो और कुछ प्रणाम दे करके आ जाओ। साधारण लोगों का जो भावना है यही भावना है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं क्या इसको ही व्यास पूजा कहते हैं, हाँ इसको करनी चाहिए लेकिन इसका मतलब नहीं यही व्यास पूजा है। कहते व्यास पूजा का तात्पर्य होता है कहते गुरुदेव का जो मनभ्रष्ट है
जो जितना परिमाण से पूरी कर पाते हैं वो उतना परिमाण में ही वो गुरु पूजा करते हैं। अभी प्रश्न है गुरुदेव का मनभीष्ट क्या है, बोले गुरुदेव का एक मनभीष्ट है, कहते इसी जगत में गुरुदेव आते हैं क्यों, आने का मूल तात्पर्य क्या है, कहते मूल तात्पर्य है कहते संसार दावा नललीठ लोक त्रणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस कल्याण गुणार्णवस्य बंदे गुरु श्री चरणार्विंद। गुरुदेव इसलिए इस जगत में आते हैं, संसार में जीव जो भगवान को भूल करके ये दुख कष्ट को भोग कर रहे हैं, भगवान की कृपा मूर्ति ही ये गुरु रूप में आ करके ये जीवों को उद्धार करके भगवत धाम को ले जाने के लिए आते हैं। इसलिए गुरु पूजा का तात्पर्य यही है, निष्कपट होकर के गुरु जी के चरण में शरणागत हो जाओ। शरणागत होकर क्या करो, निष्कपट होकर के भगवान की भक्ति निष्कपट होकर करो। कहते ये गुरु जी का ये पहला मनोभीष्ट है। जैसे श्री ध्रुव महाराज जब वैकुंठ विजय कर रहे थे, नारद वीणा बजा बजा करके नाच नाच कर कीर्तन कर रहे थे, बोले क्यों, बोले मेरे उपदेश को द्वारा आज एक जीव है भगवान की भक्ति करते हुए भगवत धाम को जा रहे हैं। इसलिए नारद जी प्रसन्न होकर के वीणा बजा बजा करके हैं गा रहे थे, नाच रहे थे, अपना शिष्य की महिमा को गा रहे थे। कहते ये एक है। दूसरा अभिष्ट क्या है, बोले दूसरा अभिष्ट है कहते श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सो पदाति। कहते श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का जो मनभीष्ट है इसी जगत में जो स्थापन करते हैं और दुनिया में शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करते हुए निष्कपट रूप में और दुनिया में भगवत वाणी को प्रचार और प्रसार करना, इसलिए इनका नाम व्यास। व्यास मतलब क्या है, बोले विस्तार करना। व्यास मतलब होता है विस्तार करना। जिसने संपूर्ण दुनिया में व्यास देव जैसे समस्त ग्रंथों के जगत में विस्तार किया है, गुरुपाद पद्म भी उसी परंपरा में आकर के व्यास देव का जो मनभीष्ट है कदो मनभीष्ट कदो जगत में विस्तार करते हैं। कद अगर कोई व्यक्ति ये काम का अगर सुष्ट रूप में कर पाता है कद असली आज उनकी व्यास असली पूजा है। नहीं तो केवल थोड़ा फूल गला में माला दे दिया कद हाँ उपचार के रूप में होनी चाहिए, लेकिन ये वास्तव रूप में व्यास पूजा नहीं। इसलिए कहते हम सबके सब श्री व्यास देव का ऋणी है, क्योंकि अगर वो व्यास देव जगत में नहीं आते हम कौन है, जगत में क्यों आए, इसको बाद में हम कहाँ जाएंगे, ये जगत क्या है, हम भगवान की भक्ति क्यों करें। इसलिए व्यास देव जी विभिन्न ग्रंथों के माध्यम में उन्होंने क्या किया, जगत को उन्होंने ये सब वस्तु को प्रदान किया है। अगर व्यास देव नहीं होते तो आज जो हमारी गुरु परंपरा है गुरु परंपरा ही नहीं रहता। आज जो थोड़े बहुत भक्ति करने के लिए हम प्रचेष्टा कर रहे हैं ये भगवत भक्ति भी हम कभी कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम सबके सब श्री व्यास देव का ऋणी। और व्यास देव जी ने उन्होंने जब सारे ग्रंथों को उन्होंने विस्तार किया, वेद को जैसे विस्तार किया, फिर उन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखे, उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, फिर पंचम वेद श्री महाभारत लिख करके जब उनको संतोष नहीं मिला, जब श्री नारद जी आ करके बोले कि आप लिखो, बोले यथा धर्म दयाश्चार्था मुनि वर्ज्यानु कीर्तित न तथा वासुदेवस्य महिमा जनु वर्णित। बोले इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिल रहा है क्योंकि तुमने दूसरे दूसरे धर्मों को जितने बढ़ा चढ़ा करके बताया, लेकिन भगवान का जो शुद्ध भक्ति का विषय पर तुमने इतना भूला नहीं, इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रहा है। इसलिए अगर शांति पाना चाहते हो क्या करो, इसलिए गुरुदेव कहते हैं जब व्यास देव असंतोष थे, जब नारद जी आए, नारद जी आ करके बोले इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष तक भी तुमने तो बढ़ा चढ़ा करके बोले, लेकिन जीव का जो सबे पुंसा पर धर्म चत भक्ति रधक सजे अहै तो की अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसिद्ध थे। आत्मा को तभी पूर्ण शांति मिलेगी जब ये जीव भगवान के चरण में निष्काम रूप में भगवान की भक्ति करेगा, अहै तो की भक्ति करेगा, अव्यवहिता भक्ति करेगा। लेकिन गुरुदेव एक विशेष बात गुरुदेव कहते हैं, हम व्यास देव का चरण में हम इतना ऋणी क्यों है,
कारण क्या? बोले कारण है कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ को जो उन्होंने बनाया और उसमें कह रहे हैं, विशेष करके हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उन्होंने जो ये गौड़ीय वेदांत समिति को उन्होंने जो स्थापन किया है, एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने किया है। इसलिए उन्होंने कहते भागवत में गौड़ीय वेदांत मतलब किया, कहते वेद का जो अंतवा सार है, वेद का सार किया, बोले श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। निगम कल्प जरूर गलितम फलम, ये भागवत। लेकिन भागवत में सार क्या है? बोले भागवत में सार है कहते दशम स्कंद है। बोले दशम स्कंद में सार क्या है? बोले कृष्ण कथा है। लेकिन कृष्ण कथा में भी दास्य सख्य वात्सल मधुर, लेकिन उसमें भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? बोले उसमें रासलीला, भगवान की रासलीला। कहते रासलीला में जहां पर कृष्ण ये कहते हैं, ना पारे अहम निरबद्ध संजुजाम सुसाधु कृत विबुधाई वो साफी वह ब्रज गोपिया, ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी मैं कभी तुम लोगों का ऋणी से उऋणी नहीं हो सकता। कृष्ण जहां पर स्वयं को ऋणी मानते हैं, लेकिन ये गोपियां भी जिनकी आराधना करती है, किसको? ये श्रीमती राधा रानी को। जहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अनयाराधित नुनम भगवान हरिश्वर जन्न विहाय गोविंद। इसलिए कहते यहाँ पर सब गोपियां रहने पर भी कृष्ण किसको लेकर गए हैं? बोले श्रीमती राधा रानी को लेकर गए। इसलिए जो हमारे भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज, जो उन्होंने गौड़ीय वेदांत समिति को स्थापन करते हुए वेद का जो सार है, क्या है? वेद का सार भागवत, भागवत का सार दशम स्कंद, दशम स्कंद का सार है ये ब्रज गोपियों की भक्ति, और उसमें भी ये गोपियां भी जिनके चरण की आराधना करती हैं, बोले श्रीमती राधा रानी को। इसलिए हम लोग व्यास देव का चरण में इसलिए हम चिर कृतज्ञ हैं, इन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में राधा रानी का प्रेम को उन्होंने जो झंडा उड़ाए, राधा रानी का प्रेम को जो सर्वोत्तम रूप में उन्हें स्थापन किया है, इसलिए। और यही जीव का यद्यपि अलग अलग रस में उपासना करना ठीक है, लेकिन जो श्रृंगार रस में, और महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार जो अनर्पित चरिंचिरात जो प्रेम को देने के लिए आए, ब्रह्मा का एक दिन में कहते भागवत ग्रंथ में उसी चीज को ही वहां पे ढिंडरा, उन्होंने ढिंडरा पिटवा करके जगत में यही प्रेम को उन्होंने स्थापन किया व्यास देव जी ने। इसलिए यही प्रेम का अगर जीव प्राप्त करता है, जिसको श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं, ब्रह्मा बिरिंचिर बांछित जय प्रेम जगते फैलील ढाली कांगाले पाइया खाइल नाचिया बाजाइया कर धाली। कलयुग में महाप्रभु कहते ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, थार थार ताली बजाते हुए बस महाप्रभु का अनुगत्य में श्री जुगल चरण की उपासना करो, जिसको तरह जीव को वो दुर्लभ प्रेम की ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद आदि जो प्रेम को प्रार्थना करते हैं, वो प्रेम हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वही प्रेम को श्री व्यास देव जी ने भागवत में सर्वोत्तम रूप में, सर्वश्रेष्ठ रूप में उन्होंने वर्णना किया, और हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ये समिति को स्थापन करते हुए उनने जो भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, इसलिए उनने जो वेदांत वेदांत उन्हें जो नाम रखा है, इसलिए कहते हैं जो असली रूप में जानते हैं वेदांत मतलब क्या है, जो श्रृंगार रस के जो उपासक है, है ये लोग श्रृंगार रस के ये लोग उपासक। इसलिए हम व्यास देव का चरण में चिर कृतज्ञ हैं, ये दुर्लभ प्रेम को जिन्होंने भागवत में वर्णना किया, और जो चीज को आज हम पाने के लिए लालायित है और आकांक्षा करते हुए जिस मार्ग पर चलने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव एक विशेष बात कहते थे, पहले क्या करो, पहले अपना लक्ष्य को स्थिर करो, लक्ष्य स्थिर करके फिर चलोगे ना, एक दिन वो वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। गुरुदेव कहते अगर लक्ष्य तुम्हारे स्थिर नहीं, फिर तो उसके लिए कोई चेष्टा नहीं करोगे। इसलिए हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, इसलिए हम इनके चरण में बहुत बहुत ऋणी हैं, उन्होंने हमारे हृदय में एक बहुत बड़ी एक बीज का अंकुर उन्होंने करके गए, बीज की बो कर गए हैं, है? क्या बो कर गए? हमारा लक्ष्य क्या है? बोले ब्रजवधू वर्ग न जा कल्पिता। इसलिए ब्रजवधुओं ने जो चीज को कल्पना किया है, स्थापन किया है, इसलिए हम हैं, यही हमारी लक्ष्य वस्तु। इसलिए हम सबके सब श्री व्यास देव का चरण में प्रार्थना करते हैं, उन्होंने भागवत ग्रंथ में जिस चीज को उन्होंने स्थापना किया भागवत ग्रंथ में, अगर वह चीज को अगर हम जीवन में किसी ना किसी जीवन में अगर हम प्राप्त कर सकते हैं, फिर हमारे जीवन हमारी धन्य हो जाएगा। बोले श्री
कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की जय। बोले श्री सनातन गोस्वामी की जय। बोले भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। बोले भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सपरिकर गौर हरि की जय। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। हम शाम को श्री सनातन गोस्वामी का जो जीवन चरित्र उनको जो सीखा हम लोग शाम को उसको श्रवण करेंगे। चलो पूजा करता आपको कौन चलानी है? वो ओनली मी पे हुआ हुआ था जो शेयर था ना शेयर ओनली मी पे हुआ अभी चल रहे हैं क्या करना होता है शुरू करवा दे टेबल यहीं तो रखा था। हाँ ले लो टेबल कहाँ कर रहा टेबल कहाँ है टेबल मेरा कहाँ है सब आपका ही है। Thank you.
Thank you.
जय श्री श्री गुरु गौरांग गिरधारी श्री 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 राधा।